हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है दोस्तों फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 10:30 हो रहा है और आज हम लोग चल रहे हैं मेला। बहुत दिनों बाद फर्स्ट टाइम चल रहे हैं कि तो चलते हैं दोस्तों। और रौनक मम्मी भी तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गया हूँ और बहन भी चल रही है, तो बहन आगे निकल गई है तो अभी मैं चल रहा हूँ इनको लेकर के। और देख सकते हैं इस समय का व्यू कुछ इस प्रकार का है। तो चलिए चलते हैं, इधर गाड़ी लगा हुआ है तो चलते हैं मेला में मिलते हैं। और इधर दोनों आदमी हैं, फूल कुमारी और मेरी बहन है इधर। तो अभी जो है ना, इस गाड़ी पर 3 आदमी को चला करके दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो भगलू भी आया हुआ था मेला, तो उसको बोल रहे हैं बहन को लेकर जाएंगे और मैं भी चलूँगा। 2 आदमी में सही रहता है गाड़ी चलाने में, नहीं तो 3 आदमी में जो है ना दिक्कत हो जाता है। तो चलते हैं, रीगा चिमनी मिल है तो अभी बंद पड़ा है ना, इसकी वजह से ऐसा है। जैसे तो ही पहुँच गया मैं मंदिर के पास पहुँच गया और यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार का है। देख सकते हैं पूरा फील्ड है जो है ना, सरकारी ज़मीन सारा है। तो मंदिर भी, मंदिर ये साइड में है, अंदर में है, पेड़ पौधा है ना इसके कंपाउंड के अंदर में है। तो इधर से स्कूल दिख रहा है, स्कूल भी है और अंदर में ही मंदिर भी है। तो चलते हैं, यहाँ पर फील्ड दे सकते हैं गाड़ी लगाने के लिए। और दोस्तों यहाँ का जो मंदिर है ना सरकारी में आता है, तो पहले यहाँ पर घुमाते हैं। चलिए यहाँ पर मैं गाड़ी लगा दिया हूँ, चप्पल पर सब यहीं पे लगा देते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर में और दर्शन करते हैं। चलो शुरू। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी प्रवेश करके अंदर में और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का व्यू है इधर का। सामने मंदिर है, चलते हैं जल ढार लेते हैं पहले। तो मैं तो खाना खा के आया हूँ, ये अभी नहीं है, सहा हुआ है। तो अभी चलते हैं जल ढार लेते हैं। यहाँ पे जो है पोखरी उखरी नहीं है, कल पर से इधर जल रहता है। देख सकते हैं कल है, कल पर से पानी भर के उसके बाद में जल ढारते हैं। तो चलते हैं पानी ले लो, ले लो। दोस्तों यहाँ पे जो है ना भीड़ हो जाता है सुबह सुबह और जलढारी के समय में भी, इसके वजह से देख सकते हैं बनाया हुआ है रास्ता। हो गए अभी। तो हम लोग दर्शन कर लिए और अब चलते हैं, अब दर्शन हो गया। चलिए अभी चलते हैं और यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार का है। देख सकते हैं हलेश्वर नाथ महादेव जी के नाम से मंदिर है। देखो सीतामढ़ी से लगभग 6-7 किलोमीटर जो है ना उत्तर साइड में पड़ता है न।
थानेश्वर नाथ महादेव जी का मंदिर है और गिरमिसानी जगह का नाम, गाँव का नाम है गिरमिसानी, तो यहीं पे है। तो चलिए अभी हम लोग दर्शन कर लिए और चलते हैं। चल रहे हाथ ना चल रहे दुखा जाए। चलिए दोस्तों, इसको जो लेना होगा से लेगा और बोलते हैं थोड़ा सा घूमते हैं। मेला लगा हुआ, इधर सामान वहाँ सब बिक्री हो रहा है और साइड में देख सकते हैं मीना बाजार। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इधर फील्ड है और इसमें जो है ना कुछ सरकारी कामकाज भी होता है। स्कूल नहीं है, हमको लगा कोई स्कूल है दोस्तों, लेकिन मैं पहले बहुत दिन के बाद इसमें आया हूँ तो मालूम नहीं था, लेकिन इसमें कुछ सरकारी कामकाज होता है, पंचायत भवन जैसे है। देख सकते हैं पार्किंग टाइप का है इधर जगह, और इधर जो है ना इधर मेला वाला खाली लगता है बस, और सामने मंदिर है। हम लोग दर्शन कर लिए और अब चलते हैं सीधे बगही धाम पे। दोस्तों अब चलते हैं, दर्शन कर लिए यहाँ पे और अब चलते हैं बगही धाम। दोस्तों अभी आ गया हूँ बगही धाम पे और यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं, सामने मंदिर है और चलते हैं मंदिर की तरफ से घूम के आते हैं। यहाँ भी घूम लेते हैं थोड़ा सा। कुछ इस प्रकार का व्यू है दोस्तों यहाँ का देख सकते हैं। गेट बंद कर। देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना पोखरी भी है यहाँ पे देख सकते हैं, और मंदिर है यहाँ पे जो है ना जल चढ़ता है पोखरी के पानी से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ भी थोड़ा दर्शन करते हैं। तो यहाँ भी जल ढारेगी श्रवण की मम्मी, तो जल ले रही है। चलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का इस तरह का व्यू है, धनेश्वर नाथ महादेव जी के नाम से मंदिर है देख सकते हैं। तो दोस्तों दर्शन कर लिए अब यहाँ पे बाजा है बजरंगबली का यहाँ पे। तो दोस्तों मंदिर में शंकर जी का दर्शन कर लिए, अब चलते हैं भैरव जी के दर्शन करते हैं। भैरव जी के मंदिर यहाँ पे है, चलते हैं तो चलते हैं भैरव जी का दर्शन करते हैं। यहाँ पे भैरव जी का स्थान है।
दोस्तों अभी दर्शन कर लिए शंकर जी का, भैरव जी का भी। अब चलते हैं तपस्वी नारायण दास जी महाराज जी का दर्शन करते हैं और अंदर चल के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। चलते हैं दोस्तों, अंदर का कुछ इस तरह का व्यू है। और इधर जो है ना, ये भंडारा कक्ष है, देख सकते हैं भंडारा। इधर जो है ना भंडारा वगैरह होता है, तो हमेशा यहाँ पे भंडारा चलता ही रहता है। आइए दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं ये तपस्वी नारायण दास जी का, ये कुटिया है, देख सकते हैं। देख सकते हैं कुटिया है और ये वाला पक्का वाला महल है, देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना 24 घंटा 365 दिन राम धुन चलता ही रहता है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो इधर भी यहाँ भी घूम लिया और दर्शन भी कर लिए और दर्शन करा भी लिए आप लोगों का। और अब चलिए, अब चलते सीधे घर पे। और इधर है फुलकुमारी। और दोस्तों बगी धाम में और गिरमिस्तानी में यही अंतर, वहाँ पर सरकारी है तो वहाँ तो पुलिस हमेशा 10 गो रहता है हमेशा, और जगह भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भी जगह बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ में वहाँ में अंतर ये है कि यहाँ पे रामधुन 365 दिन चलता रहता है, 365 दिन रामधुन चलता ही रहता है। तो और दूसरा बात है कि ये भंडारा यहाँ का बाबा का कहना है, तपस्वी नारायण दास जी महाराज जो कि सन्यासी बाबा थे, तो उनका कहना है कि यहाँ से कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये सरकारी हो जाता तो यहाँ भंडारा जो चल रहा है इसमें वो इतना नहीं चलता जितना चलता है। तो चलिए, यही इसमें खास है कि इसमें जो है ना जो भी आता है वो भंडारा उसके लिए हमेशा तैयार ही रहता है। यहाँ पे जब भी आए तो भंडारा करके जाए, और साथ ही साथ यहाँ रामधुन भी होता है तो यहाँ पे कुछ मदद भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, फिलहाल चलते हैं। अभी हम लोग दर्शन करके आ गए और बहन भी यहाँ से आ गया, देख सकते हैं। और इधर बहन है, बहन में दर्शन कर लिया है। इधर भगलू है, तो गाड़ी 2 है और 4 आदमी जाने वाले हैं, तो चलेंगे। दर्शन कर लिया, बहन तो भेंट भी हो गया, तो चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों आज मैं ये बात नहीं बताया कि आज जो है शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि का सबसे पहले आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। और दोस्तों ये देख सकते हैं जुलूस निकला हुआ है, तो जुलूस में जो है ना डीजे वीजे सब है, और आगे दिखाते हैं क्या है। तो देख सकते हैं इधर जो है ना भूत उत्सव है, इसमें जो है ना शिव जी का विवाह होता है, तो इसमें भूत उत्सव सारे हैं। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा लंबा लाइन लगा हुआ है, हर चीज़ का मूर्ति है इसमें दोस्तों, तो देख सकते हैं।